हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपकी बुलबुल और स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बुलबुल लाइफ स्टाइल एंड इंडियन ब्लॉगर में। कैसे हैं आप लोग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का जो वीडियो होने वाला है, मैं कोई ब्लॉग लेकर के नहीं आई हूं, मैं लेकर के आई हूं एक रिव्यू वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में कुछ प्रोडक्ट शेयर करूंगी। और उससे पहले मैं कुछ पूछना चाहूंगी कि आज मेरी ये जो हेयर स्टाइल है वो कैसी लग रही है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं वैसे ना रेगुलरली, आप लोगों को पता है कि जो घर में रहती हूँ ना, नॉर्मली वैसे ही मैं आप लोगों के सामने आती हूँ, मतलब ब्लॉग वगैरह में। लेकिन आज मेरा थोड़ा सा तैयार श्यार होने का मन किया, तो बस इसीलिए आज मैं रेडी हो गई। और आज मुझे थोड़ा सा अच्छा अच्छा सा फील हो रहा था, मुझे खुशी हो रही थी शायद अंदर से, ऐसे ही पता नहीं, आज मेरा दिल बहुत अच्छा है, तो इसी वजह से जो है ना रेडी होने का मन किया। और आज मैंने ना कुछ इस टाइप से हेयर स्टाइल बनाई है, भाई जो पुराने ज़माने में दादी नानी बनाया करती थी, शायद उस तरीके से आज मैंने हेयर स्टाइल बनाई हुई है। और बस कैसी लग रही है मुझे बताना ज़रूर। तो चलिए, बातें नहीं करते हैं ज़्यादा और काम पर फोकस करते हैं। जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ ना, उस प्रोडक्ट के बारे में मैंने काफ़ी सारे रिव्यू देखे और बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने जो है इसके रिव्यू किए हैं। और तो बस मैंने भी सोचा भाई मैं भी अपने प्यारे व्यूअर्स के लिए कुछ रिव्यू लेकर के आऊँ। तो बस इसीलिए सबसे पहले जो है ना, मैंने अपने ऊपर ट्राई किया था, और जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, तो वो चीज़ को मैं अपने ऊपर ट्राई करके देखती हूँ पहले कि वो चीज़ काम करती भी है या नहीं करती है, या फिर ऐसे ही ऐसे ही है। तो बस मुझे लगा कि चलो अभी टाइम आ गया, आप लोगों को मैं बता देती हूँ। तो जी, ये था न्यूड का एक्सपोज योर सेल्फ नेचुरल हेयर इनहिबिटर एडवांस फॉर्मूला विथ पीडिया टेक्नोलॉजी, परमानेंट फ्रीडम फ्रॉम फ्रिक्वेंट हेयर रिमूवल। तो ये कोई जो है हेयर रिमूवल क्रीम नहीं है, ये एक लोशन टाइप से आप समझ लीजिए, क्योंकि ना ये आपके बालों की ग्रोथ को कम करता है, ना कि बालों को हटाता है, रिमूव करता है, नहीं जी, ये सिर्फ बालों की ग्रोथ को कम करेगा और धीरे 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 करके आपके जो अनवांटेड हेयर्स हैं उनको रिमूव कर देगा, मतलब उस जगह पे जो है बाल आते ही नहीं हैं। तो ये आप बॉडी में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ये एक इनहिबिटर है और रिडार्डर है, ठीक है, ये 100% नेचुरल है, सेफ है, इसमें कोई भी ऐसा हार्म इंग्रेडिएंट नहीं मिलाया गया है जो हमारी बॉडी को मतलब कुछ भी दिक्कत दे। तो इसीलिए इसमें ऐसा कोई भी हार्श केमिकल नहीं मिलाया गया है, और ये 100% नेचुरल है। ये बॉटल कुछ इस टाइप से आती है, प्लास्टिक बॉटल है, और इस टाइप से ये कैप हमें मिलता है, ये पंप हमें मिल जाता है, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, ये किन किन चीज़ों पे काम करता है, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हम लड़कियाँ चाहती हैं कि हमारे शरीर में कहीं पे भी बाल नहीं रहें, हम हमेशा हमारी जो स्किन है ग्लोई सी और शाइनी सी रहे, बाल हमें नहीं चाहिए अनवांटेड हेयर, जैसे कि अंडर आर्म्स पे हो जाते हैं, हैंड्स पर, लेग्स पर, कई जगह पर, तो वो लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, ठीक है। सारी लड़कियों के साथ में ऐसा ही होता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं, हमेशा हमें साफ सुथरा रहना चाहिए, और बाल वगैरह ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन सा लगता है फिर, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसी वजह से जो है ना, ये जो प्रोडक्ट है ये सबसे पहले मैंने अपने ऊपर ट्राई किया, उसके बाद में मैं आप लोगों को रिव्यू दे रही हूँ। तो जी, ये जो प्रोडक्ट है ये कोई हेयर रिमूवल क्रीम नहीं है, ये कोई वैक्स नहीं है जो आपको ये बालों को रिमूव कर दे। और जैसे कई जगह पर आप लोगों ने देखा होगा कि लेज़र ट्रीटमेंट लिया जाता है, वैक्स ली जाती है, तो उनसे भी हमें जो है ना कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है, बाल वहाँ पे आते ही आते हैं, चाहे बालों को 1 महीने में आए, चाहे 2 महीने में आए, लेकिन आते ज़रूर हैं, क्योंकि परमानेंटली हेयर रिमूव नहीं हो सकते हैं। और लेज़र ट्रीटमेंट का अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो हमेशा यही बोलूँगी भाई मैं तो कभी नहीं कराने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारे जो है बाल वहाँ पे आते ही आते हैं। तो इसीलिए मैं तो भाई लेज़र ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहूँगी। और रही बात वैक्स की, तो हाँ मैं वैक्स कर लेती हूँ, तो
इसको भी कुछ इसी टाइप से यूज करना है, क्योंकि देखो वैक्स करें चाहे लेजर ट्रीटमेंट लें, बाल तो आने ही हैं। लेकिन ये जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ ना, ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट है वहाँ जहाँ पे आपको बाल नहीं चाहिए, मतलब कि आपके हेयर्स की ग्रोथ को ये कम करता है, सिर्फ इसका यही काम है। धीरे 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 करके हेयर की ग्रोथ को कम कर देगा, मतलब जहाँ पे आपके मोटे मोटे से हार्ड से बाल आते होंगे ना, वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा पतले से बाल लाएगा, और धीरे 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 करके जो है ना, कई कई जगह पे बाल भी नहीं आएंगे, और ऐसे धीरे धीरे करके जो है ना, बाल अच्छे से रिमूव हो जाते हैं, मतलब परमानेंटली रिमूव हो जाते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मैंने अपने ऊपर ट्राई किया। मैंने ना एक परमानेंटली जो है ना, एक जगह डिसाइड कर ली थी कि मुझे यहाँ से ही ट्राई करके देखना है। मैंने सबसे पहले जो है ना, मैंने अपने अंडरआर्म्स पे यूज़ नहीं किया, मैंने अपने हैंड्स के ऊपर यूज़ नहीं किया, मैंने यूज़ किया अपने लेग के ऊपर, और मैंने एक जगह देखी कि मुझे इतनी जगह पे जो है ना, इस लोशन को यूज़ करना है और देखना है कि इसका रिजल्ट क्या मिलता है मुझे। तो एक हफ्ते के अंदर जो है ना, मुझे थोड़ा थोड़ा सा जो है रिजल्ट मिला। अब इसको यूज कैसे करना है, जैसे कि पहले आपको अपने हेयर्स को रिमूव करना होगा, चाहे चाहे आप वैक्स से करें, ठीक है। आपके जो हेयर्स हैं कहीं के भी, तो आपको हेयर्स को रिमूव करना है पहले। जैसे आपने वैक्स से किया, तो वो अच्छे से रिमूव हो गए बाल। उसके बाद में क्या होता है, ओपन पोर्स हो जाते हैं बाल, मतलब वहां से रिमूव होने के बाद में पोर्स ओपन हो जाते हैं, उसी जगह पे हमें ये लोशन को लगाना है, ताकि हमारे जो हेयर्स हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाए, रुक जाए। वैक्स करने के बाद में हमें अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए, साफ साफ सुथरे हाथ होने चाहिए, उसके ऊपर कोई भी पार्टिकल्स वगैरह नहीं रहना चाहिए वैक्स का। अच्छे से रिमूव कर लिया, और उसके बाद में हमने ये लोशन लिया अपने हाथ के ऊपर इस तरह से, और उस जगह पे हमें लगाना है जहाँ से हमें अपने हेयर्स की ग्रोथ को कम करना है, ठीक है। मैंने जैसे यहाँ पे लगाया, और इस तरीके से ये पूरा स्किन के अंदर चला जाता है, और हमें तब तक लगाना है जब तक कि हमारे वहाँ पर हेयर्स की ग्रोथ स्टार्ट नहीं हो जाती है, मतलब बाल आना शुरू नहीं हो जाते तब तक हमें लगाना है। और जब बाल आना शुरू हो जाते हैं तब हमें बंद कर देना है, ऐसे ही हमें विद इन 3 मंथ तक हमें इस लोशन को यूज़ करना है। जैसे आपने हर मंथ अगर आप वैक्स करते हैं, तो हर मंथ आपको ये चीज़ लगानी पड़ेगी। जब भी आप अपने हेयर्स को रिमूव करें, उसके बाद में तुरंत हम लोशन लगाएंगे, और लोशन लगाने के बाद में हमें ना इस चीज़ को ऐसे ही छोड़ देना है, इसके बाद में कुछ भी नहीं लगाना है। तो आप देखेंगे कि 3 मंथ के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मुझे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं भी शेयर करूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।